प्रेगनेंसी में जिस चीज का डर था वही हो गया। ये वाले रिपोर्ट देखिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ये वाला दोस्तों, इतना रिपोर्ट कराने के बाद ऐसा क्या निकल गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताया था अगले वीडियो में, जो कि प्रेगनेंसी में लेकर के अपनी पत्नी को बहुत मैं परेशान हूँ। और जो दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा, हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं ना दोस्तों, हमारे घर वाले ना उनके घर वाले कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी हमारी लाइफ की लाइफ में होता है, आप सभी से ही शेयर करते हैं। जो भी हमारी लाइफ में खुशी या गम होती है, आप सभी से शेयर करते हैं, आप सभी से बताते हैं, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दोस्तों, हमारी आज प्रेगनेंसी को लेकर के मैं क्यों परेशान हूँ। जिसका डर था दोस्तों, वही चीज़ हुआ। तो दोस्तों देखिए, मैं गया था, 2-3 अल्ट्रासाउंड कराया था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इतना सारा अल्ट्रासाउंड है, जो कि अल्ट्रासाउंड में किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं निकल रहा था वो प्रेग्नेंट है हमारी पत्नी। लेकिन कल वाले रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला रिपोर्ट कल का है, जो कि इसमें इसको दिखाए डॉक्टर को, तो बोले कि है बाबू, बहुत छोटा सा बाबू है दोस्तों। और जिस बात से मैं डरता था ना दोस्तों, वही बात हुआ। और दोस्तों, आप लोग ये सब देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, किट है जो इसमें निकल रहा था, जो किट होता है उसमें शुरू से ही बता रहा था कि प्रेग्नेंट है हमारी पत्नी। पर दोस्तों, कल 3-4 रिपोर्ट कराने के बाद इस वाले रिपोर्ट में पता चला कि है हमारी पत्नी प्रेग्नेंट। इसी जांच को देखने के बाद दोस्तों, तुरंत डॉक्टर ने एक ब्लड जांच कराने के लिए दोस्तों दिया, तो कराने के लिए दोस्तों ये वाला जांच कराने के लिए दिए, तो हम करा लिए। और दोस्तों, इसमें हेमोग्लोबिन मतलब खून का कमी दिखा रहा है, बहुत खून का कमी है। इसके लिए हमारा बाबू तैयार नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटा है। और इसमें और एक समस्या हो गया दोस्तों, और हम बहुत परेशान हैं, बहुत अपनी पत्नी से भी बता नहीं सकते हैं, और बता भी नहीं रहा हूँ उनको, क्योंकि बता दूंगा तो बहुत काफ़ी टेंशन होने लगेगा। और दोस्तों ने बताया कि आप लोग को आगे चल के दिक्कत हो सकता है, जो कि हमारी पत्नी को थायराइड का दिक्कत है, जो कि दोस्तों उनका थायराइड बढ़ गया है। 5 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसमें 10 पॉइंट है। डॉक्टर ने बताया कि थायराइड में बहुत दिक्कत होता है, जो हाथ पैर होता है उसमें सूजन होने लगता है, हाथ पैर फूलने लगता है और दिक्कत होने लगती है। इसके लिए बाबू भी तैयार नहीं हो पाएगा, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा उनका। तो इसीलिए दोस्तों, हम बहुत परेशान हैं, इतना सारा पैसा लगा दिया जांच कराने में, कराते कराते थक चुका था दोस्तों। तो कल वाले रिपोर्ट कराने के बाद सारा क्लियर हमको पता चला। और दोस्तों, उनको थायराइड की दिक्कत है, आप लोग को पता होगा थायराइड के बारे में क्या होता है, हमको तो पता नहीं है दोस्तों। आप लोग को पता होगा तो ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और डॉक्टर ने भी बताया कि थायराइड में बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं, हमको तो पता नहीं है, पर बोले हैं कि थायराइड में बच्चे नहीं तैयार हो पाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, जो इनके ये बहुत कमज़ोरी भी इनको है, और काफ़ी घबराने लगती है, इनका जो धड़कन होता है ढेर तेज़ी से चलने लगता है, बहुत घबराती है, बहुत मतलब हम इसी को लेकर के बहुत परेशान हैं सोनम जी को दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट ये है और एक ये है, 2 रिपोर्ट हो गया दोस्तों, और एक ये रिपोर्ट है 3, और ये रिपोर्ट 4, 5, 6 रिपोर्ट कराने के बाद दोस्तों हमको पता चला, और जाके 4थे अल्ट्रासाउंड में निकला है उनका, और 2 ब्लड जांच है, जाके 4थे अल्ट्रासाउंड में निकला उनको कि ये सब रीज़न है, इसके वजह से पहले वाले रिपोर्ट में नहीं आ रहे थे, पर ये वाले रिपोर्ट में छोटा सा हमारा बाबू ब्लैक में दिखा रहा है। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर की बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप सभी से शेयर कर दूँ ये वीडियो। जो भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप लोग से शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। आप सभी से बताना चाहता था, ताकि आप सभी से मैं बताता हूँ ना दोस्तों, तो मेरी जो टेंशन होती है कम हो जाती है। और दोस्तों, हम लोग को तो ऐसे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, इसीलिए आप लोग को ही फैमिली भगवान अपना मानते हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं थक चुका हूँ दोस्तों, इतना रिपोर्ट कराते कराते। और दोस्तों, 2 महीने का बाबू है, वो भी एकदम ना मामूली सा दिखा रहा है, तो हम इसी को लेकर के बहुत टेंशन है।
जिसका डर था दोस्तों वही हो गया। और ऐसा हमको लग रहा है कि आगे चल के दिक्कत हो सकती है हमको,